दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,28,000 हो गई है। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 20,00,000 के पार है। लगभग एक तिहाई कोरोना मरीज सिर्फ अमरीका में है। रोजाना सबसे ज़्यादा मौतें भी अमरीका में ही हो रही हैं। मंगलवार को अमरीका में मौतों का नया रिकॉर्ड बना। एक ही दिन में 2,129 लोगों की कोरोना से जान गई। महामारी के चलते अब तक अमरीका में 26,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोप के देश भी मौत के आंकड़े नीचे आने के इंतजार में ही लगे हैं। भारत की बात करते हैं। भारत में संक्रमितों की कुल संख्या हो गई है 11,439। मरने वालों की संख्या 377। 1,306 लोग ठीक हुए हैं। सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात महाराष्ट्र से है। 12 घंटे में महाराष्ट्र में 117 नए मामले आए, जिनमें सिर्फ 66 तो मुंबई के हैं। कुल संक्रमितों की संख्या महाराष्ट्र में 2,800 के पार पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,173 नए मामले सामने आए। आज जानकारी दी गई कि संक्रमण की ट्रैकिंग के लिए देश के जिलों को हॉटस्पॉट और नॉन हॉटस्पॉट में बांटा गया। हॉटस्पॉट जिले वो जहां पर मामले ज़्यादा हैं या डबलिंग रेट ज़्यादा है, और जहां संक्रमण के ज़्यादा हालात नहीं हैं, ज़्यादा मरीज नहीं हैं, उन्हें नॉन हॉटस्पॉट। संख्या भी बताई गई। हॉटस्पॉट ज़िले हैं 170 और नॉन हॉटस्पॉट ज़िले हैं 207। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज फिर कहा गया कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के मामले नहीं हैं। हालांकि कई स्वतंत्र प्रेक्षक इस दावे को दुरुस्त नहीं मान रहे हैं। कोरोना से जुड़ी एक खबर गुजरात से आई, उसने हेडलाइंस भी बनाई। क्या खबर? गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी प्रिवेंटिव क्वारंटीन में हैं। उनको ऐसा क्यों करना पड़ा? विजय रूपाणी 2 दिन पहले कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला से मिले। इमरान खेड़ावाला की कल कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद से मुख्यमंत्री सेल्फ क्वारंटीन में है। सीएम रूपाणी का स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन आज अहमदाबाद से एक और खबर आई जिसने गुजरात सरकार को असहज किया। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में कोरोना मरीजों के वार्ड्स धर्म के आधार पर बांटने की बात सामने आई। इंडियन एक्सप्रेस ने मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर गुणवंत राठौड़ के हवाले से छापा कि सरकार के आदेश पर मुस्लिम और हिंदू कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल में अलग अलग बेड बांटे गए। जब इस खबर पर विवाद बढ़ने लगा तो दोपहर को गुजरात के सूचना विभाग के ट्विटर हैंडल से स्पष्टीकरण आया। लिखा कि धर्म के आधार पर वार्ड बांटने की खबरें पूरी तरह से निराधार हैं, तथ्यहीन हैं। ऐसी अफवाहों से बचें और बाकी लोगों को भी जागरूक करें। सरकार की ये सफाई कई लोगों को बहुत ठोस नहीं लगी। अब क्या बताऊं आपको, इन तस्वीरों को देखिए। लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों को किस बदतर हालत में रहना पड़ रहा है, ये उसकी बांगी है। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पुल के नीचे प्रवासी मजदूर लेटे हुए हैं। न्यूज चैनल से जुड़े पत्रकार अरविंद गुनासेकरन ने ट्विटर पर ये तस्वीरें साझा की। तस्वीरों में जमीन पर ही चादर और अखबार बिछाकर दर्जनों मजदूर लेटे हुए हैं। बगल से यमुना नदी गुजरती है। नदी की हालत यहाँ पर नाले जैसी है, बहुत बदबू आती है। दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता है, वो भी पास के गुरुद्वारे से। ट्विटर पर जैसे ही ये तस्वीरें वायरल हुई, धड़ाधड़ दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार से जुड़े हैंडल से ट्वीट और रिप्लाई आने लगे। वादा कर दिया गया कि त्वरित कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि इन तस्वीरों के ट्विटर पर आने से पहले अरविंद केजरीवाल सरकार क्या कर रही थी? क्या इसका जवाब है उनके पास कि इतनी बड़ी संख्या में यमुना नदी के पुल के नीचे दिल्ली में मजदूर लेटे हुए हैं और गरीबों का दावा करने वाली सरकार, उसको इसकी खबर भी नहीं है?